हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मसिंग पॉइंट। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं रिगार्डिंग हाइड्रोलिक जैक के बारे में। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये है हाइड्रोलिक जैक का डायग्राम और ये है हाइड्रोलिक जैक की सर्किट जिसके आधार पर ये जैक काम करता है। आज मैं आपको बताऊँगा कि ये हाइड्रोलिक जैक रिपेयर कैसे होता है और सील रिप्लेस कैसे होता है। तो जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, ये है हाइड्रोलिक जैक 50 टन वाली, ये होल्डर और ये पुशअप पिस्टन जो होल्डर से अप एंड डाउन हो रहा है, और ये है रिलीव वाल्व जो हम लोग रिलीव वाल्व को लूज़ करते हैं और टाइट करते हैं। जब हमें उठाना रहता है टाइट करते हैं, जब रिलीज करना रहता है तो लूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है होल्डर की कनेक्टिंग और ये होल्डर में हम लोग लीवर डाल के आसानी से इसे अप एंड डाउन करते हैं तो इसमें हाइड्रोलिक फ्लो क्रिएट होता है जिसकी वजह से जैक अप होता है। अभी हम लोगों ने पिन को निकाल लेना है। देखिए, पिन हम लोग निकाला है और होल्डर हो गया बाहर। उसके बाद फिर हम लोग इसे पुशअप पिस्टन को निकाल लेंगे। इसमें एक सील होती है, एक ओरिंग होती है। ओरिंग है प्रोटेक्शन के लिए डस्ट की, और सील होती है हमारी ऑयल ना लीक होने के लिए। ये जो हम लोगों ने उठाया अभी, यही पोजीशन उठकर हमारी लोड को अप करती है। और ये हम लोगों ने चेकनेट को आसानी से लूज़ कर लेना है, लूज़ करके निकाल लेनी है इसे। देखिए, ये चेकनेट अभी आसानी से निकालने के बाद ये फुल पिस्टन बाहर आ जाएंगे इसकी। ये है फुल, देखिए ये है सिलेंडर बोर जिसके अंदर पिस्टन और सील चलती हैं। इसके अंदर एक होल भी है जहाँ से ऑयल सील के ऊपर एक्ट करती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है थ्रेडेड जहाँ लॉक करने के लिए। यहाँ पे आती है ओरिंग और सील्स, ये सील्स एरिया, ओरिंग इस एरिया, और ये है लॉक, ये है सील, मेन सील इस जैक की। तो इसे ही हमें रिप्लेस करना है। तो जैसे कि अभी हमें इसे आसानी से क्लीन करके इसे डाल लेनी है। यह है पुशअप पिस्टन। तो चलिए, अब हम लोग इसके सील को उस पिस्टन में डालते हैं। तो देखिए, ये सील को हम लोग ये प्लास्टिक हैमर के सहायता से इसे आसानी से डाल लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड इसके अंदर जाता है। मेटल की हैमर नहीं लेनी है। और ये है पुशअप पिस्टन की भी सील और ओरिंग हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं ताकि हमारा डस्ट भी अंदर ना जाए और हमारा हाइड्रोलिक फ्लो भी अंदर क्रिएट हो जाए, क्योंकि ये सील हम लोग को चेंज करनी है, वो ओल्ड वाली ख़राब हो चुकी थी। अब इसे हम लोग इसे अपनी प्लेस में डाल देनी है। इसके अंदर भी एक सिलेंडर बोर है जिसके अंदर ये पुशअप पिस्टन हम लोग आसानी से डाल लेनी है। ये चला गया। उसके बाद हम लोग इसे मूव करके चेक करनी है कि ये आसानी से अप डाउन स्मूथली हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सिलेंडर बोर में हम लोगों ने ग्रीस और ऑयल लगा दिया है। उसके बाद इस पिस्टन और सील को उसके अंदर पुश कर देनी है। देखिए, ये आसानी से पुश करने से इसके अंदर चला जाता है। जाने के बाद चेकनेट को हम लोग को लॉक कर देना है। चेकनेट इतना ही टाइट करना है ताकि बाद में जब हमें खोलना पड़े तो आसानी से खुल जाए। ये चेकनेट सिर्फ सपोर्ट के लिए है ताकि ये इसकी पिस्टन बाहर ना आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसे फिर बाद में दोबारा खोलना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी हम लोग होल्डर को आसानी से पिन के सहायते से लॉक कर लेंगे। ये लॉक करने के बाद ये कनेक्टिंग को भी आसानी से लॉक कर लेंगे पिन डालने के बाद, ताकि ये उठाने वक्त या कभी भी बाहर ना आए। देखिए, अभी हम लोग इसमें ऑयल डालेंगे। ये है, यहाँ से हाइड्रोलिक ऑयल टॉप अप या फिल किया जाता है। ये हम लोग अभी इसके अंदर फिल कर रहे हैं हाइड्रोलिक ऑयल। 1 लीटर की कैपेसिटी है इसके अंदर। अभी देखिए, जैक को हम लोग आसानी से उठा रहे हैं। ये जैक हमारा हो गया रिपेयर और हम लोग इसे आसानी से 2-3 बार उठाएंगे ताकि हमारा एयर आसानी से रिलीज हो जाए। ये हम लोग रिलीव वाल्व को लूज़ करेंगे। देखिए, रिलीव वाल्व लूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये पिस्टन
अंदर जाएगी दबाने के बाद। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया कि वो होल्डर में हम लोग लीवर डाल के होल्ड कर लेते हैं, हम लोगों ने डाला है, देख लीजिए इसमें आसानी से देख सकते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद फिर टाइट करेंगे रिलीफ वाल्व को। टाइट करने के बाद फिर पुशअप करेंगे ताकि हमारा एयर जो है वो बाहर आ जाए। दो तीन बार ऐसे करेंगे। ये सिर्फ ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ फ्रेंड, सिर्फ आपको आपके नॉलेज के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको कभी भी ऐसा प्रॉब्लम फेस हो तो आसानी से आप घर पे ही रिपेयर कर सकते हो। सिर्फ सील आपको परचेज़ करनी है बाहर से। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।